क्या ना दोस्तों, हम फिर से आ गए आपको मोटिवेट करने के लिए एक और नई कहानी लेके, एक और नया जज्बा लेके, कुछ नए सपने लेके, आपके अरमानों को सफलता के शिखर तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों आज की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरी एंड तक जरूर देखना। छोटी छोटी कहानी लेके आते हैं, अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना मत भूलना। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक शहर में दो दोस्त रहते थे। वो दोनों दोस्त एक दिन समुद्र किनारे शंख इकट्ठा करने के लिए गए, ताकि उन शंखों को बेचकर वो अपने लिए कुछ पूंजी जमा कर सके। दोनों दोस्त शंखों को इकट्ठा कर ही रहे थे, तभी पहले वाले दोस्त को एक बड़ा शंख मिल गया। और ये देखकर दूसरे वाले दोस्त के मन में आया कि यार इसे तो बड़ा शंख मिल गया है, अब ये मुझसे ज्यादा पैसा कमा लेगा। तो फिर उसने सोचा मैं इससे बड़ा शंख ढूंढता हूँ, ताकि मैं भी ज्यादा पैसा कमा पाऊँ। तो अब वो लग गया बड़े शंख की तलाश में। उसने खूब ढूंढा, खूब मेहनत की, लेकिन उसको बड़ा शंख हासिल नहीं हुआ। उस बड़े शंख के चक्कर में उसे जितने भी छोटे छोटे शंख मिलते थे वो सारे शंखों को उठाकर फेंक देता था, क्योंकि उसके दिमाग में वो बड़ा शंख था कि मुझे किसी भी हालात में वो बड़ा शंख ही चाहिए, ताकि मैं ज्यादा पैसे कमा लूं। बड़े शंख की तलाश में दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, तो ना तो उसे बड़ा शंख मिला, और जो छोटे छोटे शंख भी मिले थे उन शंखों को भी उसने फेंक दिया, तो उसके हाथ में कुछ आया ही नहीं। और जो पहला दोस्त था उसके पास एक बड़ा शंख था और कुछ छोटे शंख भी थे। तो रात हो गई और वो दोनों दोस्त घर जाने लगे। घर जाते वक्त पहला वाला दोस्त था उसने अपने शंख बेच दिए। उसके पास जो बड़ा शंख था उसके उसे मिले 1,000 रुपए, और छोटे छोटे शंख जो उसके पास थे उसके उसे मिले 3,000 रुपए। और ये जानकर उस दूसरे वाले दोस्त को बहुत दुख हुआ कि काश उन छोटे छोटे शंखों को फेंकता नहीं, तो अभी मेरे पास इससे भी ज्यादा कमाई थी। उसके दोस्त ने उसे बताया कि जो छोटे शंख तूने फेंक दिए थे उन्हीं को मैंने अपने पास इकट्ठा कर लिया, और उन्हीं की वजह से मुझे 3,000 रुपए मिले। और ये जानकर वो दूसरा वाला दोस्त और भी ज्यादा निराश हो गया। इस कहानी को बताने का मकसद बस एक ही है मेरा, कि हम बड़ी बड़ी चीजों के चक्कर में कई सारे छोटी छोटी चीजें, या फिर ये कहें कई सारे छोटे छोटे मौके हाथ से गवा देते हैं। हम डे टू डे लाइफ में कई सारी चीजें इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है छोटी है, लेकिन वो आगे जाके बहुत बड़ी हो जाती है। ये छोटी छोटी चीजें दोस्तों आगे जाके बहुत विशाल हो जाती है। हर छोटी चीज पे ध्यान दो, इग्नोर मत करो, आपको पता चलेगा उनकी अहमियत आगे जाके, उन छोटी चीजों की अहमियत क्या थी। दोस्तों कोई भी सोच छोटी नहीं होती है। आप हर चीज, कोई ड्रीम हो, कोई मेहनत हो, आप ये मत सोचो एक साल बाद मुझे क्या मिलेगा, ये सोचो कि आज मुझे क्या करना है, 10 साल बाद मैं करोड़पति बन जाऊं, नहीं, पहले सोचो वो करोड़पति बनने के लिए आज मुझे क्या करना है। क्या आज मैं 1 घंटा भी लगा रहा हूँ अपने सपनों के लिए? अगर मैं आज 1 घंटा नहीं दे सकता ना, तो 10 साल बाद मैं कभी भी अमीर, कभी भी सक्सेसफुल, कभी भी कामयाब नहीं बन पाऊंगा। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलना। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आपने क्या सीखा इस कहानी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।